गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? और भाई मैं नहा लिया हूँ क्योंकि आज हम अभी जा रहे हैं घर। थोड़ा सा कुछ हमारी क्लासेस थी वो हमने सुबह दे दी है, तो शाम की हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया। हम उसको अब फिर नेक्स्ट वाली में कवर अप कर देंगे। और अभी हम जा रहे हैं घर। बुनू ने खाना खा लिया है, स्नेहा बस नहाने गई है, मैं अभी जा रहा हूँ नीचे क्योंकि हमने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया है तो वो लेने। और भाई एक और हमने कल नारियल पिया था, उसकी ना मलाई निकलवानी है, तो नारियल किसी और से लिया, मलाई किसी और से निकलवा लेंगे अभी। अभी मैं चल रहा हूँ नीचे और फिर हम निकलेंगे घर। कहा है नारियल, ये भैया ने निकाल दिया इसकी मलाई, नारियल। ये बॉय साहब थैली में डाल देते भैया। मलाई निकलवा लिए भाई और सामान भी आ गया है ब्लिंकिट से। अभी मैं इसको रख दूंगा गाड़ी में और फिर जाते हुए ये मलाई, अभी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा, फिर जाते हुए हम इसको खा लेंगे। भैया भैया को मैंने चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है भैया, कर दिया सब्सक्राइब। तो अब चलते हैं भाई, गाड़ी में सामान रख देते हैं पहले और फिर घर के लिए भी निकलना है तो थोड़ा लेट ना हो जाए। अभी चलते हैं पार्किंग में। और हमारी जो बिल्डिंग है वो दो साइड से ही ओपन है, सो अगर भी बहुत हो गई है। अभी मैं लेके जा रहा हूँ सामान, गेट खुला हुआ है सो मैं वैसे चाबी लेके आया था तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गेट खोल के बाहर पहुँचेंगे। और हमारी गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है तो सामान रख के फिर चलेंगे ऊपर, फिर कुछ खा के फिर निकलेंगे। ये वाला जो है ना बहुत बढ़िया पेड़ हुआ करता था भाई, कीकर का, और इसके नीचे ना बहुत छाया होती थी। और इसके नीचे एक हमारी गाड़ी है ये री, एक ये साथ वालों की गाड़ी है ये खड़ी होती थी, और एक गाड़ी ये यहाँ पर खड़ी है, एक गाड़ी वो आगे भी खड़ी है। तो इसके नीचे ना इतनी छाया होती थी कि इस गाड़ियों पे ना कभी धूप ही नहीं आती थी, लेकिन गधे होते हैं लोग, उन्होंने कटवा दिया, पता नहीं इससे क्या दिक्कत है, पता इतना अच्छा पेड़ तो बहुत बड़ा कटवा के, अब देखो ये धूप में गाड़ियाँ सड़ रही हैं, ये अच्छा है उनके लिए। ये मेरे टुंगू, ओए टुंगे टुंगी ले, हेलो कर दे, हेलो कर दे जल्दी से। ये री स्नेहा, हेलो हेलो दोस्तों। और ये क्या कर रही है? ये सैलेड बनाने की तैयारी में लगी हुई है भाई साहब, पूरा चकाचक। आज हम सैलेड खाएंगे। हाँ। से हम बाहर का खा रहे थे तो मैंने सोचा आज कुछ हम हल्का खाते हैं, कुछ हेल्दी खाते हैं, क्योंकि करण तो कभी हेल्दी खा नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो आज मैं ही खिला देती हूँ। ये तो चटोरा है, बाहर का खिलाता है और खुद भी खाता है, मुझे भी खिलाता है। जब मैंने कैमरा लिया था ना तो इसके साथ भाई पूरी व्लॉगिंग किट आई है, और साथ में इसके ना एक टेम्पर्ड भी आया था सोनी की तरफ से, पर मैंने उन्होंने कभी लगाया नहीं। और अभी मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, जैसे हम बैग में डाल देते कैमरा या रख देते हैं तो स्क्रीन पे मतलब फोल्ड नहीं कर पाते या कई बार भूल जाते हैं, सो उस पर ना हल्की सी स्क्रैच आ जाती है, तो वो एक हल्की सी स्क्रैच आई तो मेरे को समझ आया कि मेरे को वो टेम्पर्ड जो है ना पहले ही लगा लेना चाहिए था ताकि ऐसी दिक्कत होती नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगा लूँ या ना लगाऊँ, पर मैं डिसीजन मेरा यही कि मैं अभी लगा लेता हूँ। और मेरी दाढ़ी जो है ना थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फिर से बहुत सारी ऐसे ऐसे घूम गई है, ऐसे ऐसे घूम गई है मेरी दाढ़ी। तो स्नेहा बोल रही कि इसको जल्दी से मतलब एकदम ट्रिम करके अच्छे से या तो सेट कर ले या भाई इसको थोड़ा बहुत कम ही कर ले क्योंकि गर्मी भी है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन या तो ट्यूसडे या थर्सडे या सैटरडे, क्योंकि उस दिन पे मतलब आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है ना बाल वगैरह नहीं कटवाते। तो मैंने जो है मैं कहा ये तीन डेज में चूज़ करता हूँ जिसमें ये काम करवा सकता हूँ, मैं इसमें करा सकता हूँ। उसने यह बोलती इसमें नहीं कराना, तो इसमें क्या होता ना मेरा फ़ायदा हो जाता कि मेरे को करानी नहीं पड़ती। ये रहा है कैमरे का बॉक्स और इसमें देख लेते हैं, मैंने वैसे तो इसी में रखा था पर हो सकता है इसमें ना भी मिले, बट नहीं बोलो तू सूंघ के बता है इसमें, बुनू सूंघ के बता रहा है, बुनू है इसमें। ओ भाई साहब ऊपर ही मिल गया इसमें तो, बुनू ऊपर ही मिल गया ये तो हमारा, लगा ले इसको, लगा दूँ स्क्रैच नहीं लगेंगे फिर, लगा दो हाँ या ना बता, लगा दो। इसने बोला भाई लगा दो पापा, लगाओ भाई जल्दी, इसका कैमरा ख़राब नहीं होना चाहिए। और बुनू के लिए ना हम गोप्रो लाएंगे, ये देखो बुनू कैसे बैठ गया, बुनू ये ले, वही गुल्लू भाई मेरा, बुनू के लिए लाऊंगा मैं गोप्रो और इसके ऊपर इसकी टैट पे लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा इसके सर पे, बुनू तेरे सर पे गोप्रो लगाएंगे, फिर तू चलियो भागियो और तू अपना ब्लॉग खुद ही बना के लाइयो भाई। अभी हम लगा लेते हैं ये टेम्पर्ड, ओरिजिनल है भाई सोनी की तरफ से, वही वाला है ये, खोल के देखता हूँ, और महंगा भी है ये, कितने का है ये भाई? 500 रुपये का टेम्पर्ड है, 500 रुपये का। ये निकाल लेते हैं हम और आज मैं लगा ही लेता हूँ इसको, इसके अंदर से मैंने इसको निकाला भी नहीं है अभी, ये देखो इसके अंदर ये, और ये जो जैसे पैक हो गया था ना एज इट इज़ रखा है, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा शायद, या ये जैसे खुल गया है इस साइड से, और अभी निकालते हैं इसको। ये आया बाहर, ये रहा टेम्पर्ड,
भाई साहब अगर मैं ये लगा लेता ना तो मेरी एक जो जो स्क्रैच लग गई वो शायद बच जाती, पर कोई नहीं अभी मेरे को समझ आ गया, अब मैं लगा लेता हूँ इसको। लग तो सही रहा है, बढ़िया भाई। हैम्पर्ड मैंने लगा दिया है और हुआ क्या ना, जैसे बीच की जो स्क्रीन होती है जहाँ पे दिखता है ना, सिर्फ वही कवर किया है, आजू बाजू का एरिया ना वो नहीं किया, बट स्टिल एक प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली हो गई। अब कभी ऐसे बैग में डाल दिया, बाय चांस स्क्रीन फोल्ड करना नहीं ध्यान रहा, तो वो स्क्रैच जो है ना मेन स्क्रीन जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे नहीं लगेगी। ये एक सेफ्टी इसमें मिलती है, बाकी इसका टेम्पर्ड जो है वो मैं चेंज कर दूंगा थोड़े दिन में, ताकि पूरी स्क्रीन को ही कवर करे। स्नेहा ने रेडी कर दिया सैलेड, मुरमुरा चाट और इसमें ये कटोरी भी डाल दी है, और साथ में खाएंगे हम ये पालक पनीर, और ये मलाई निकल आके लाया था जो मैं, वो मैं खाऊंगा अभी, और एक खाएगी स्नेहा, ये दो आए थे, एक मेरा एक तेरा, ठीक है, नो पार्शियलिटी। ओके, घर के लिए निकल गए हैं भाई, और गर्मी जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और होने क्या वाली है ही, गर्मी भी नहीं है, गर्मी के साथ वो होता है ना चिपचिपा मौसम, मतलब एसी इतना पानी निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि हवा में कितना मॉइस्चर जो है ना वो इस टाइम पे है, और इसमें ना बड़ी चिप 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 होती है। ये मौसम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं होगा, और एसी जब तक चल रहा है ना तब तक तो ठीक रहता है, बाकी अगर एसी नहीं है ना तो बहुत बहुत चिप चिप लगती रहती है, और कुछ करने का मन भी नहीं करता, बस ऐसा रखता है कि बस यार जल्दी से ये मौसम निकले, उसके बाद दूसरा आए वही सही रहता है। गर्मी भी ठीक है, ठंड भी ठीक है, पर ये चिप चिप नहीं होनी चाहिए। और अभी दिन में ना, दिन में हम निकले हैं तो मान के चलो कम से कम 2 घंटे तो लग जाएंगे आराम से, क्योंकि रात को हमें लगते हैं 40 मिनट्स इतना, बट दिन का ट्रैफिक आपको पता ही कितना ज़्यादा होता है, सो इतना टाइम तो लगना ही है। और बूनू अपनी खिड़की वाली जगह लेके खड़ा है, ये देख लो बुने। बूनू कहाँ देख रहे हैं? ये कह रहे शीशा खोल दो, गर्मी तो नहीं है बाहर? गर्मी बहुत है, बैठ जा नीचे। भाई गर्मी इतनी हो रही है, कहाँ इसको क्या दिखाएंगे, मैंने कहा चुपचाप बैठ जा, फिर बहुत देर तक ना इसको सांस नहीं आती, इतना हाफता रहता है, मैंने कहा इसी में बैठा रहे और घर पे जाके तब देख लियो शाम को अपने दोस्त, वहाँ तो तेरे को गेट के बाहर निकलते ही दिख जाएंगे, वहीं सही रहता है ये, है ना बुनू? बुनू को बहुत गर्मी लगती है भाई, इसका तो फ्रेंड ही नहीं है। फ्रेंड नहीं है इसका एक्चुअली, हमने ना दो छोटे छोटे इसके फ्रेंड बने थे, बहुत हो गए, 1.5 साल के तो हो गए होंगे, 1.5 साल के थे वो। अब उसमें से ना एक जो इसका फ्रेंड था ना डॉगी, वो मर गया, उसको कुछ शायद किसी ने काट लिया था तो उसको कीड़े भी पड़ गए थे, और उसके बाद ना वो फिर हुआ ही नहीं ठीक, हमें भी लेट पता चला, तो हम कुछ नहीं कर पाए कि भाई हम कुछ कर लेते हैं। मैंने पूछा तो था माँ से कि भाई उसका क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं वो शायद कुछ इलाज किया है उसने किसी का, उसके पैर में कुछ लगा हुआ था, बट उसके बाद पता चला कि वो तो मर ही गया। बहुत अच्छा था वो डॉगी, बहुत बढ़िया था, और उसका कलर भी बहुत अच्छा था, और वैसे भी बहुत प्यार करता था, जैसे ही जाओ ना पूरा ऐसे पैर ऊपर रख रख के चढ़ जाता था कि मेरे को प्यार करो, मेरे को प्यार करो, जैसी गाड़ी देखी ओ भाई आ गया भाग के। अब दुख तो होता है बट हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में वही चीज़ याद आती है कि भाई जिसकी जितनी है ना, जितनी लाइफ उतनी ही मिलनी है उसको, कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। तो इसका एक फ्रेंड बचा है, अब ये उसके साथ कभी कभी खेल लेता, बट उससे ना इसकी थोड़ी कम दोस्ती है, दूसरे वाले से बहुत ज़्यादा थी उससे तो बहुत थी इसकी दोस्ती, वो अच्छा भी था थोड़ा सा। हाँ, और घर पे आई हुई है बुआ, और बार बार ना उनके बेटे का फोन आ रहा है अनिकेत का, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, नहीं मिले भाई। ये रहा बुनू, बुनू कौन है घर पे? बुनू पीछे चला गया, भाग गया वो, उसको देखने का मतलब है पीछे से कुछ दिखेगा, ये देखो फ्रेंड्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से। पहुंच गए हैं भाई घर पे, और घर पे आई हुई है बुआ जो पिछली बार धोखा दे गई थी, एक बार धोखा भी तो दिया था ना, धोखा दिया था वो वाली पहुंची है, धोखेबाज रखा हुआ है इसका नाम हमने। ये है निकेत, हेलो, ये है बंदर, ये हमारे घर का शैतान बच्चा, बंदरिया, ये बंदरिया, और ये हमारी छोटी वाली बुआ जो पिछली बार राजमा बनवा के ये देख रहे क्या कर रहे हैं। ये बुनू है भाई, ये बुनू इसका बहुत अच्छा दोस्त है अनिकेत का, बुनू बैठा यहाँ, बुनू अनिकेत का है, ये रहा ये रहा ये अनिकेत का बहुत पक्का दोस्त है, अब इसकी गोदी आ जाएगा, ये आ गया अनिकेत की गोदी, दोनों छोटू छोटू दोनों छोटू हैं, छोटू ओए छोटे ओए, देख देख उसको तो प्यार कर रहा है, मैं हाथ पीता था अपने पैर से, उसको देख, उसको देख तो प्यार कर रहा है वो, हां उसको तो
बहुत प्यार करता है। अपनी शक्ल दिखा दे ले बोलू बोलू सबका बहुत अच्छा दोस्त है भाई अर्पिता खुद भारी थोड़ी है नहीं भारी नहीं है तभी तो मैंने अर्पिता तो 15 किलो की है 15 किलो आराम मिल रहा है ना पर बोलो ये इसका पूरा फ्रेंड बन गया कौन है भाई ये साथ ही जाएगा ये इसके ले जाएगी इसको के साथ देख और ये इसको तो बहुत प्यार कर रही है हैं इसको तो बहुत प्यार कर रही है अनिकेत देख वीडियो और इसको ये कंफ्यूजन रहती है स्नेहा को कि ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही अब मैं ऐसे ही इसकी वीडियो बना के डाल देता हूँ ये बाद में इसको पता चलता है अभी जो लास्ट वाला व्लॉग मैंने डाला था इसको बिना बताए बना दिया था वो इसको ये भी नहीं पता कि मैंने डाल भी दिया और मैंने वो शूट भी कर दिया था बहुत अभी अभी ऐसे ही पता चल रहा है बुआ से तो कह रही कौन से वाला डाला है मैंने कहा तो देखा नहीं मेरे को टाइम नहीं था अब ये देखेगी ना अब कह रही अगर मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी ना मेरे लिए बुराई की होगी ना मैं उसको डिलीट करा दूंगी डिलीट तो हम करेंगे नहीं वैसे भी मैं डिलीट कर दूंगी बिल्कुल डिलीट नहीं होगा मेरे को बिना बताए नहीं होगा होगा बिल्कुल भी नहीं होगा खुद तो सर धज के वीडियो बनाता है और मैं ऐसी गंदा सा दिखा देता है गलत बात है नहीं है यस गलत बात है अनिकेत ये गलत बात है जाएंगे स्टूडियो दोनों ओए होए होए क्या गया बोलूं बोलूं तो भाई प्यार देता है बस क्या खाओगे बच्चों जो मिलेगा तू तो कह रहा था तू तो खाएगा नहीं खाएंगे। तो मना कर रहा था ना मेरा पेट फुल है अभी ये मेरे को बोल रहा था बुआ कि मैं मेरा पेट फुल है मैं नहीं खाऊंगा नींद आ गई अभी इसने मना किया था मेरे को किरण भाई को नींद आ गई भैया नहीं खाएंगे इसने बोला है हलवा खाया है मैंने और अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा लेकिन अभी बोल रहा है कि मैं खाऊंगा वो तब की बात थी तब की अभी की तो बात है क्या होता है वो तो अभी मेरे को पांच पर रिकॉर्ड नहीं और अभी हिम्मत नहीं बची है और अभी भी अरे बोलूं ये कान ढक दिया तेरे को अनिकेत आराम से अभी इसने खाना खाया है ये ना उल्टी कर देगा ये ढक दिया बोलू क्या कर रहे हैं निकेत अरे 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 भाई अरे भाई अरे भाई मस्ती चल रही है निकेत की और ये ब्रून होगी बोलू नो ये बूनू को और निकेत का प्यार चल रहा है इसने इसको हटा दिया कि नहीं है ना अभी पीछे से आ जाएगा कर दे प्यार कर दे अरे मेरे को नहीं प्यार कर ले अनिकेत को अनिकेत को अनिकेत को अनिकेत को कर दे पून को चल रही पार्टी रात वाली और ये खा रहा है स्टिक वही स्टिक क्यों खा रहा है दे मेरे को शेयरिंग कर ले थोड़ी सी पापा से शेयरिंग कर ले थोड़ी सी ये करेगा अब इसको डांट के सुनाया ये अनिकेत को नहीं सोने दे रहा इसको फ्रेंड है ना वो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और मिलेंगे अब आपसे कल तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी